16236 जो ट्रेन नंबर है वो आके लग चुका है। और ये सनराइज भाई, एकदम खूबसूरत सनराइज हुआ है। उस तरफ आपको पहाड़ भी दिख जाएगा। तो क्या हाल आप लोग का, स्वागत है एक और व्लॉग में। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक है और आशा करता हूँ कि व्लॉग्स देख रहे हैं। तो ये मैं आपके लिए लेके आ गया एक और नया व्लॉग। फिलहाल मैं हूँ बैंगलोर के KSR बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन पे। यहाँ से मैं कवर करने वाला हूँ टूटीकोरन एक्सप्रेस को, जो चलती है मैसूर से टूटीकोरन तक। फिलहाल हम मैसूर से कवर नहीं कर रहे हैं, हम KSR बेंगलुरु से कवर करने वाले हैं और इन्फॉर्मेशन आपको सब प्रोवाइड करने वाले हैं। फिलहाल ट्रेन आई नहीं है, ट्रेन आने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। ट्रेन आ जाने देते हैं, फिर उसके बाद और इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। सोलह हजार दो सौ छत्तीस जो ट्रेन नंबर है वो आके लग चुका है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। तो हम इसमें सफर करेंगे और आपको पूरा सफर दिखाएंगे। तो इधर तो पूरा कोच ही खाली है भाई। तो फिलहाल मेरा सफ़र होने वाला है S3 कोच में, स्लीपर में ट्रैवल करने वाले हम। इसमें आपको थर्ड AC का, सेकंड AC का दोनों ऑप्शन मिलेगा, लेकिन क्योंकि ओवरनाइट ट्रेन है तो हम स्लीपर में ट्रैवल करेंगे। ये हम फिलहाल बैंगलोर के प्लेटफॉर्म नंबर 5 से डिपार्ट कर चुके हैं। एग्जैक्ट भाई, नो डिले, 9:15 पर डिपार्चर अपने ट्रेन का। तो ये मैं आगे हम अपने ट्रेन में, अपनी ट्रेन KSR बेंगलुरु से निकल चुकी, जैसे मैंने बोला। बात करूँ मैसूर से ये ट्रेन निकलता है 6:20, फिर बेंगलुरु आता है 8:55 पे, और बेंगलुरु से 9:15 पे निकल जाता है। और मैसूर से बेंगलुरु तक जब आता है ना, तो हर एक स्टेशन पे एक एक मिनट का स्टॉप देता है, जहाँ जहाँ स्टॉप रहता है। जैसे पांडवपुर, उसके बाद मंडिया हो गया, मद्दूर हो गया, उसके बाद केंगेरी हो गया, रामनगरा हो गया, वैसे वैसे स्टॉप देके आता है। उधर हर जगह एक मिनट स्टॉप रहता है। KSR बेंगलुरु में आकर डायरेक्ट 20 का स्टॉप देता है भाई, क्योंकि यहाँ से पैसेंजर चढ़ते हैं इस ट्रेन में। तो अभी आ रहा है अपना बेंगलुरु कंट, आपको बेंगलुरु कंटोनमेंट स्टेशन दिखाते हैं। तो ये हमारी टूटीकोरन एक्सप्रेस फिलहाल पहुंच चुकी है बेंगलुरु कांट रेलवे स्टेशन। आने का समय 9:25, 2 देरी के साथ आए, तो उतना चलता है। इधर ही आपको नंदिनी का पार्लर, फिर नॉर्मल IRCTC का दुकान सब मिल जाएगा। तो खाने पीने का दिक्कत नहीं रहेगा अगर आप इस ट्रेन से फिलहाल आ रहे हैं तो। सो ये हम लोग बेंगलुरु कांट से डिपार्ट कर चुके हैं। हम लोग टूटीकोरन जा रहे हैं ना, तो हम लोग वाया कुप्पम जोलारपेटाई नहीं जाएंगे, वाया सेलम हम लोग जाएंगे दूसरे रूट से। तो रूट कौन सा रहने वाला है मैं आपसे थोड़ा आगे बात करता हूँ। तो ये हम जो रूट लेने वाले हैं ना, आपने अगर मेरा कन्याकुमारी एक्सप्रेस वाला देखा होगा, बैंगलोर टू कन्याकुमारी वाला ट्रेन जर्नी, तो वो हम लोग गए थे वाया कृष्णराजपुरम, वाया कौन सा था, बंगारपेट, वाया कुप्पम। उधर से जुलारपेटाई को बाईपास करके हम लोग सेलम की तरफ निकल चुके थे, लेकिन ये वाला थोड़ा डिफरेंट रहने वाला है। इस ये ट्रेन भी सेलम टच करेगा, वो ट्रेन भी सेलम टच किया, लेकिन वो घूम के सेलम टच किया, लाइक वो कुप्पम होके जुलारपेटाई बाईपास करके वो सेलम तरफ गया था। लेकिन ये वाला थोड़ा डिफरेंट रहेगा। कैसे डिफरेंट रहेगा मैं आपको आगे बताता हूँ। ये हमारी ट्रेन फिलहाल पहुंची है बैपनली रेलवे स्टेशन। इधर स्टॉप नहीं है, हम लोग इसको स्किप करने वाले हैं। और ये बगल में आप बैपनली मेट्रो स्टेशन देख सकते हैं, और यहाँ पर एक मेमू ट्रेन का आगमन होते हुए ये यहाँ पर स्टॉप देगा। ये देखिए आप, दो मेमू ट्रेन एक साथ कपल्ड है। तो ये फिलहाल हमारी ट्रेन बैपनली रेलवे स्टेशन के पास रुक चुका है एक्चुअली, लेकिन हम लोग मेन लाइन पर रुके हैं, लूप लाइन पर नहीं रुके हैं।
अगर आपको दिखाऊं तो उधर आप देख सकते हैं, उधर आपको ट्रैक है लूप लाइन और उधर प्लेटफॉर्म है, इस तरफ भी अपना प्लेटफॉर्म दूरी है भाई। तो हम लोग मेन लाइन पे शायद क्लियरेंस नहीं है इसलिए रुके हैं, अभी तुरंत निकल जाएंगे। ये जो ट्रेन पास हुआ ना, ये दानापुर से आ रहा था एक्चुअली। तो ये हम भी फिलहाल निकल चुके हैं बायफनली रेलवे स्टेशन से। बायफनली रेलवे स्टेशन के बाद अपना लाइन चेंज होगा, जो कभी मैं एक्सप्लेन कर रहा था ना, एक लाइन चेंज होगा, सेलम दो रास्ते से जा सकते हैं, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं हम लोग डाइवर्शन ले रहे हैं, हम लोग राइट की तरफ चढ़ान चढ़ रहे हैं। तो ये जो आप सीधा देख रहे हैं ना, ये बेंगलुरु चेन्नई मेन लाइन है। तो ये सीधा जाएंगे तो एक रूट सेलम की तरफ आता है, जो बंगारपेट बाद में जुलारपेट बाईपास होके राइट लेके हम लोग सेलम तक चले जाते हैं। और हम लोग अभी इधर राइट लेके डायरेक्ट चढ़ान चढ़ के भैया होसुर होते हुए, धर्मपुरी होते हुए हम लोग जाएंगे सेलम की ओर। आप ऊपर उधर एक ब्रिज देख सकते हैं, तो वहाँ से भी ऊपर से एक लाइन आ रहा है, वो लाइन आके इसी में मर्ज होगा। और वो लाइन फिलहाल आ रहा है बांसवाड़ी की तरफ से, तो बांसवाड़ी की तरफ से जो भी ट्रेन आएगा, जिसको SMVT नहीं जाना रहेगा, होसुर की तरफ जाना रहेगा, तो बाईपास करके इस लाइन से आके सीधा इस लाइन में मर्ज हो जाएगा। ये देखिए यहीं पर हम फिलहाल हो गए इस लाइन से मर्ज। अरे आप देख सकते हैं बेंगे नल्ली और टिन फैक्ट्री का कुछ ट्रैफिक। तो ये हमारी ट्रेन फिलहाल पहुंच चुकी है कारमेलाराम स्टेशन पे। सही से प्रोनाउंस नहीं किया तो माफ़ कर दीजिएगा। ये हमारे कर्नाटका का लास्ट स्टॉप है, इसके बाद जो भी स्टॉप आएगा वो आएगा तमिलनाडु में। कोच कॉम्पोजिशन की बात करूँ तो इसमें है एक सेकेंड AC, 5 आके थर्ड AC है, फिर 4 आके जनरल है, फिर 10 आके स्लीपर और 1 आके स्लीपर एक्स्ट्रा कोच भी है इसमें। और हमारी गाड़ी फिलहाल यहाँ पर पहुँची है आधे घंटे डिले के साथ। ये बस मात्र 1 मिनट स्टॉप के बाद हम लोग निकल चुके हैं कारमेलाराम रेलवे स्टेशन से। ये देखिए ये भी स्टेशन कर्नाटका में पड़ता है, लेकिन यहाँ पर स्टॉप नहीं है अपना, अपन इस स्टेशन को स्किप करेंगे। ये देखिए ये बेंगलुरु होसुर वाला हाईवे है। तो ये हमारी ट्रेन फिलहाल पहुंच चुकी है होसुर रेलवे स्टेशन, जो पड़ता है तमिलनाडु के अंदर। तो हम कर्नाटका छोड़ के आ गए हैं तमिलनाडु के अंदर, और कारमेलाराम और होसुर के बीच में और 3 स्टेशन पड़ता है इंटरमीडिएट स्टेशन, लेकिन वहाँ पर स्टॉप नहीं रहता है, वो तीनों आके कर्नाटका के अंदर ही आता है। और उसके बाद बात करो तो, पता नहीं साउंड सही से आया कि नहीं, उसके बाद बात करो तो अभी यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं तमिलनाडु के अंदर ही पूरा रूट। और यहाँ से क्या रूट होने वाला है वो मैं आगे बताऊंगा, पहले प्राइसिंग जान लेते हैं। मैसूर से टूटीकोरन कितना लगने वाला है, स्लीपर में 355, थर्ड AC में 960, सेकेंड AC में 1365 लगने वाला है। और आप निकलेंगे मैसूर से 6:20 पे, तो अगले दिन आप पहुँचेंगे 10:45 पे सुबह टूटीकोरन। तो ये फिलहाल 2 मिनट के स्टॉपेज के बाद हम लोग निकल चुके हैं होसुर रेलवे स्टेशन से। तो ये जैसे मैंने बोला, हम लोग फिलहाल होसुर से निकल चुके हैं,
तो यहाँ से हमारा रूट रहने वाला है धर्मापुरी, धर्मापुरी से सेलम, सेलम से ईरोड, ईरोड से हम लोग चेन्नई कोयम्बतूर मेन लाइन से कट के हम लोग चल जाएंगे कारूर जंक्शन की ओर। तो फिलहाल रात हो चुका है, लगभग 10:30-11 बज ही चुका है, तो मैं चलता हूँ सोने के लिए और आगे की जर्नी अब सुबह से कंटिन्यू करेंगे। तो अब मिलूँगा मैं आपको डायरेक्टली, कहाँ अब मैं आपसे मिलूँगा डायरेक्टली सुबह कारूर जंक्शन में, नहीं तो डिंडगल में, ये दोनों में से कहीं एक जगह पे मिलूँगा। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं कोडाई कनाल रोड रेलवे स्टेशन पे। एक्चुअली मैं दिंडगल रेलवे स्टेशन, दिंडगल जंक्शन पे ही उठ गया था, लेकिन फ़ोन में चार्ज नहीं था इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। वहां पर दिंडगल में हम लोग आए थे 21 मिनट्स बिफोर, और यहां पर फिलहाल हम लोग आए हैं 4 मिनट देरी के साथ। और मौसम देखिए क्या एकदम मस्त हुआ है, एकदम मस्त झकास मौसम है भाई। तो ये हम फिलहाल कोडाई कनाल रोड से निकल चुके हैं, 2 मिनट का स्टॉप था बट 1 ही मिनट में निकल गए हम लोग। और आपको मालूम है कोडाई कनाल किसके लिए फेमस है, तो अगर आपको आना है कोडाई कनाल तो आप ए ट्रेन यूज़ करके कोडाई कनाल रोड आ सकते हैं, फिर यहाँ से आप कोडाई कनाल सिटी में जा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। मस्त वेदर कोडाई कनाल का। देखे कितना खूबसूरत, इधर खेती हुआ है और ये सनराइज भाई, एकदम खूबसूरत सनराइज हुआ है। उस तरफ आपको पहाड़ भी दिख जाएगा सनराइज, उस तरफ आपको नारियल का खेती, फिर इधर आपको आई गेस धान की खेती है, श्योर नहीं हूँ, और फिर आपको ये रेल की यात्रा, क्या खूबसूरत है भाई। और इधर आपको किस चीज़ का खेती, केले का खेती भी दिख जाएगा भाई, एकदम गजब हो गया इस माहौल देखे, एकदम गजब हो गया, क्या लैंडस्केप है, एकदम खूबसूरत भाई। ये हमारी ट्रेन फिलहाल पहुंच चुकी है सोलावंधन स्टेशन पे, डिले ही चल रही है ट्रेन, और लैंडस्केप क्या मस्त है भाई, सनराइज के साथ क्या खूबसूरत दिख रहा है पूरा लैंडस्केप। और अभी बात करूँ KSR बेंगलुरु से टूटीकरण तक कितना प्राइस लगेगा, तो आपको स्लीपर में लग जाएगा 290, थर्ड एसी में लग जाएगा 775, और फिर उसके बाद सेकेंड एसी में आपका लग जाएगा 1,105 रुपया। मैसूर से टूटीकरण तो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो ये KSR बेंगलुरु से भी टूटीकरण आपको बता चुका। और ये सनराइज़ देखिए क्या खूबसूरत सनराइज़ दिख रहा है। कृपया वो हेयर स्टाइल को देख के थोड़ा नेगलेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि गेट के पास खड़ा होकर वो वीडियो बना रहा था ना, पूरा बाल फैल गया था, तो उसको नज़रअंदाज कर दीजिएगा। और ये हम लोग निकल चुके हैं,
बगल में जो ट्रेन जा रही है ना, ये मदुरई कोयम्बतूर, कोयम्बतूर कन्नूर, कन्नूर मैंगलोर, फिर मदुरई मोडी, भाई बहुत जगह रैक शेयरिंग है यार इसका। कुदाल नगर में तो अपना स्टॉप नहीं था, फिर भी आई गेस क्रॉसिंग या कुछ के लिए तो स्टॉप दिया है, या फिर मदुरई जंक्शन खाली नहीं होगा, इसके बाद अपना मदुरई जंक्शन ही है, शायद खाली नहीं होगा तो यहाँ पर स्टॉप देंगे। और वहाँ पर देखिए बच्चे सुबह सुबह मस्त क्रिकेट खेल रहे हैं। ये देखिए एक ओवरटेक के लिए फ़िलहाल हमारी गाड़ी रुकी थी कुदाल नगर में, जूम करता हूँ, ये देखिए ओवरटेक के लिए गाड़ी आ रही है। एक्चुअली इस ट्रेन को भी क्लियरेंस नहीं है, तो ये एनडीआर सेंट्रल से बोधिकनायर जा रहा है, और ये आप पढ़ सकते हैं बोधिनायाकनूर जा रहा है। अगर प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो कृपया माफ़ कर दीजिएगा, सही से प्रोनाउंसिएशन आया नहीं मुझे इसे, बोधिनायाकनूर। ये जो ट्रेन है ना ये एसी सुपर फास्ट है भाई, उससे पहले हमारे ट्रेन को टुटिकोरन एक्सप्रेस को प्रायोरिटी दी है भाई, सुपर फास्ट को रोक के हमें दिए हैं, इसके बाद वो भी निकल जाएगा। एक्चुअली ये एसी सुपर फास्ट लिख के हैं लेकिन इसमें स्लीपर भी है भाई, लाइक सीरियसली ब्रो। ये हमारी ट्रेन फिलहाल पहुंच चुकी है मदुरई जंक्शन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं तिरुवनेली चेन्नई वंदे भारत डिपार्ट हो रही है यहाँ से। ये फिलहाल मदुरई जंक्शन हम लोग पहुंच चुके हैं, मैं यहाँ पर ही डिबोर्ड करने वाला हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको ये जर्नी पसंद आया होगा। टिकट फेयर सब डिस्प्ले पे आ रहा होगा, बैंगलोर टू मदुरई कितना लगता है। हमारी ट्रेन फिलहाल डिले ही आई है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वंदे भारत इनॉग्रेशन के लिए रेडी है भाई, ऑरेंज वंदे भारत मदुरई टू बीएनसी यानी बेंगलुरु कांड तक इनॉग्रेशन आज होने वाला है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए उसी के साथ मैं आपको मिलूँगा अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा।